हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का नया डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, जिसे कि हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से पढ़ते हैं और करंट को आई से समझते हैं। तो आज इस डेरिवेशन में हम सबसे पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हल्का सा हम आइडिया फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जब भी हम किसी कंडक्टर में एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल यहाँ पे दिया है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने यहाँ से लगाया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है, और मालूम है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। यहाँ पे देखो, अगर पॉजिटिव एंड से ये जुड़ा हुआ है और नेगेटिव एंड से ये जुड़ा हुआ है, जिसका की एल लेंथ है, ए इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है और वी पोटेंशियल इसको दिया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें मालूम है। इलेक्ट्रोस्टैटिक की प्रॉपर्टी पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये इस तरह से इंडिकेट किया गया है, और इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पे वर्क करेंगे तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टू पॉजिटिव यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है वो एवरेज वेलोसिटी होती है, और जिसे कि हम वी डी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे इसका जो मेन रीजन है वो कि जब हम कंडक्टर में क्या करते हैं, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो हमें ड्राइव करना है I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, जहाँ पे वी डी है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ई है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड एन है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एंड आई है यहाँ पे करेंट। तो वी डी और आई में हमें रिलेशन बताना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सेटअप किया है। यहाँ पे देखिए कंडक्टर है, जिसमें कि मैंने बताया इसे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल यहाँ पे दिया है, इसे हमने बैटरी से जोड़ दिया, पॉजिटिव टर्मिनल इस तरह से है, नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एल इसका लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का मूवमेंट पॉजिटिव टू नेगेटिव यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, और ये सेटअप है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें हम समझते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम सपोज स्मॉल एन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। अब हमने बताया कि इस कंडक्टर का लेंथ एल है और एरिया इसका ए है, तो वॉल्यूम हमें मालूम है। वॉल्यूम जो होता है, अगर हम वॉल्यूम को समझें, तो वॉल्यूम की जो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो लेंथ इंटू एल इंटू बी हो जाएगा, मीन्स एरिया को हम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिलेगा एम क्यूब में। तो हम समझ सकते हैं कि जो वॉल्यूम होगा वो ए एल से डिनोट हो जाएगा, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ, ठीक है। अगला, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर, इस कंडक्टर में कितने इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे, कितना नंबर इलेक्ट्रॉन का होगा, तो जितना वॉल्यूम होगा उसमें पर यूनिट वॉल्यूम से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा एन ए एल, तो ये मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर। जब हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर हो जाएंगे एन ए एल, वेयर ए इज इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एल इज इक्वल टू लेंथ एंड एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अब हम क्या करेंगे, हम चार्ज निकालेंगे। तो सपोज इस इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है, तो चार्ज का एक फॉर्मूला हम जानते हैं, आई इज इक्वल टू क्यू इंटू टी, ठीक है। तो हमें मालूम है हमें चार्ज निकालना है, तो चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल चार्ज निकालेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई है और इतना यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास एन ए एल आ गए, तो एन ए एल को हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें मिलेगा एन ए एल इंटू ई मिल जाएगा, ठीक है। एन ए हो जाएगा टोटल चार्ज इनसाइड द कंडक्टर, इतना चार्ज इस कंडक्टर के अंदर हमको मिलेगा। अब हम निकाल लेंगे सपोज लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर एल डिस्टेंस, ठीक है। सपोज इस एल डिस्टेंस में यहां से लेके यहां तक मूवमेंट जो हो रहा है पोटेंशियल देने के बाद, तो इतना डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक इस कंडक्टर की जो लेंथ है इसको कवर करने के लिए कितना टाइम लगाएगा, सपोज टी टाइम लेता है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला मालूम है, एस टी डी फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं या वेलोसिटी टाइम और डिस्टेंस का एक फॉर्मूला हमें मालूम है। तो ये फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। हमें टाइम चाहिए तो ये इधर रिप्लेस हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन, ये अपॉन में आएगा वेलोसिटी, ठीक है। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस कितना कवर करेगा, ये कंडक्टर की लेंथ के बराबर, तो टाइम हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस मीन्स लेंथ ऑफ कंडक्टर एल,
और वेलोसिटी, डिफ्ट वेलोसिटी जो कि इसका एवरेज वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का, तो यहाँ पे आ जाएगा वीडी। ठीक है, तो ये हमारे पास जो टाइम आ गया, लेट जो हमने टाइम लिया है, लेट टी बी द टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रॉन टू कवर एल डिस्टेंस। एल डिस्टेंस करने में इतना टाइम लगेगा, ठीक है, एल टी इज इक्वल टू एल बाई वी डी के बराबर। ठीक, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, हमें हमें रिलेशन बताना है, हमें रिलेशन बताना है डिफ्ट वेलोसिटी और करंट का। तो जो हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया, इसमें टाइम आ गया, लेंथ आ गई, वीडी आ गया, हमें आई निकालना है। तो आई के लिए हमें मालूम है करंट, हेंस आई इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है क्यू बाई टी, मीन्स जो चार्ज है चार पर यूनिट टाइम को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो ये हमारा बेसिक फॉर्मूला आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और चार्ज हमने टोटल निकाल लिया, यहाँ पे टोटल चार्ज इन साइड द कंडक्टर ये है एन, इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे एन ए एल ई बाई टाइम है हमारा टी। ठीक है, और टाइम की वैल्यू हमने यहाँ से जो अभी निकाली एल बाई वी डी, इसको भी यहाँ पे रख लेंगे, तो ये हो जाएगा एल बाई वी डी और वी डी यहाँ पे ऊपर आ जाएगा। इसको जब हम वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो एल से एल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमको फॉर्मूला मिलेगा आई इज इक्वल टू एन ए ई वी डी, और यही हमारा एक्सप्रेशन था जो कि हमने ड्राइव करना था। इसमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी है और करंट है, तो यहाँ पे जो हमने फॉर्मूला ड्राइव किया आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव हो गया, वेयर एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई फॉर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें मालूम है जो ई होता है वो ई होता है -1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम के बराबर होता है, नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन में। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं, इस फॉर्मूले के बेस पे हम यहाँ से रिजल्ट बता सकते हैं कि जो करंट होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं, हमने बताया था कि जब भी हम किसी कंडक्टर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं तो वो क्या करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगते हैं, इधर उधर चलने लगते हैं। ठीक है, और उसका जो एवरेज होता है उसको हम क्या कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, इसे वीडी से डिनोट करते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इसका मतलब हम यहाँ से एक रिजल्ट ये निकाल सकते हैं जो हमने फॉर्मूला बनाया यहाँ पे आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यहाँ से हम एक रिजल्ट हम यहाँ से बना सक रहे हैं जो कि हमने अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बेस पे बनाया आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। यहाँ से जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वीडी के, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के। तो सपोज हमारे पास अगर किसी केस में, कोई केस में ड्रिफ्ट वेलोसिटी जीरो आ गई, एवरेज वेलोसिटी जीरो आ गई, तो वहाँ पे करंट भी क्या होगी, जीरो होगी। या फिर हम ये भी कह सकते हैं इस रिजल्ट से, क्या ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इंक्रीज करेंगे तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लेस करेंगे तो ड्रिफ्ट करंट भी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये यहाँ से रिजल्ट आ गया। अब इस डेरिवेशन पे बेस हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं, और हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, जिसको कि इस फॉर्मूले से हमें ड्राइव करना है, इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक करंट ऑफ 10 एम्पियर इज मेंशनड इन ए कंडक्टर। ठीक है, सपोज करंट इस कंडक्टर में कितना है, 10 एम्पीयर का करंट है ऑफ, और क्रॉस सेक्शन है आपके पास, क्रॉस सेक्शन 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बी 9 × 10⁸ मीटर -3, तो वी डी कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना है, कैलकुलेट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हमें कैलकुलेट करना है, और हमें गिवन है इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। तो ये हमारे पास बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो बहुत ध्यान से इसको समझेंगे, हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला जो हमने अभी ड्राइव किया उसके बेस पर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो हम जब भी हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलते हैं तो जो गिवन वैल्यूज होती हैं उसको हम लिख लेते हैं।
तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, तो इसमें हमें गिवन वैल्यू सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो हमारे को गिवन, सबसे पहले गिवन वैल्यू लिख लेते हैं। करंट की वैल्यू दे रखी है हमें 10 एम्पीयर, ठीक है। गिवन वैल्यू करंट देगा 10 एम्पीयर का, कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जिसे कि ए से डिनोट करते हैं वो दे रखा हमारे पास 10^-4 मीटर स्क्वायर। इफ द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी, और एन हमारे को दे रखा 9×10^28 मीटर -3, देन वी डी हमें फाइंड करना है। तो हमको मालूम है आई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, इसकी हेल्प से हम इस फॉर्मूले को यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो एक्सप्रेशन है यहाँ से हम बता सकते हैं हमें वी डी निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो जाएगा आई अपॉन, ये सारा अपॉन में आ जाएगा एन ई ए इज इक्वल टू वी डी। तो ये हम एक्सप्रेशन लगाएंगे आई अपॉन एन ई ए इज इक्वल टू वी डी। तो वी डी हमारा आ जाएगा, आई की वैल्यू रिप्लेस करेंगे 10 एम्पियर अपॉन एन, कितना है हमारा एन, हमारा नंबर डेंसिटी 9×10^28। इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6×10^-19 इंटू एरिया क्रॉस सेक्शन दे रखा हमारे पर 10^-4। तो हमें वेलोसिटी निकालनी है, तो सॉल्व करेंगे इसे। तो 10 पहले ये माइनस है, ऊपर जाके 10^4 पॉजिटिव 5 हो जाएगा, अपॉन में रहेगा 9×, अब ये सॉल्व करेंगे 10^28 है और यहाँ पे 19 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 28-19 मीन्स 9, ठीक है। तो ये 10^9 पॉजिटिव में आएगा इंटू 1.6। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5 पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 1/9×1.6×10^5 से 5 कैंसिल हो गया, तो 4 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब इसको मैं इस तरफ लिख लेता हूँ, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे पास सॉल्व करके आएगा 1/9×1.6×4 पावर को ऊपर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा और ये सॉल्व होगा। तो यहाँ पे हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका डेसिमल हटा देंगे, तो ये हो जाएगा वी डी, और ये हो जाएगा आपका 10^-4×10/ ये 90 हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, 16×9, क्योंकि इसका डेसिमल हटा तो ये 16×9 आ गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा 10^-3/144। अब इसको आगे बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी की यूनिट हमें मालूम है मीटर पर सेकंड आती है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। हमारे पास जो वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 6.94×10^-6। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करके एक स्टेप कैलकुलेशन करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारे को मिल गई, ये हमने सॉल्व कर रखा है 6.94×10^-6 और यूनिट है वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये हमारा रिजल्ट, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारा ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस छोटी सी डेरिवेशन के बेस था। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो कि जिसमें भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जैसे सपोज एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, वो है पहले हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के फॉर्मूले लिख लेते हैं कि जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए अभी तक, जो हमने फॉर्मूले ड्राइव किए एक फॉर्मूला तो हमने ये ड्राइव कर लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए, ठीक है। और यहाँ से यूनिट निकल के आ गई थी मीटर पर सेकेंड। और एक जो हमने प्रीवियस डेरिवेशन में हमने फॉर्मूला ड्राइव किया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, उसको भी हम लिख लेते हैं वी डी इक्वल टू ए टाउ, ये फॉर्मूला भी हमने ड्राइव किया था कल, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले हमने ड्राइव किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। तो देखो हमें मालूम है, ये हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन है, वी डी इज इक्वल टू ए टाउ, वे टाउ इज इक्वल टू, यहाँ पे जो टाउ है वो होता है रिलैक्सेशन टाइम, ये होता है रिलैक्सेशन टाइम। मीन्स जब आप क्या करते हैं, जब आप देखते हैं कंडक्टर में जब कोलिजन होता है तो एक एक बारी इलेक्ट्रॉन टकराता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा गैप देता है, फिर दूसरी बारी टक्कर लगाता है, फिर तीसरी बारी टक्कर लगाता है, ऐसे हम एवरेज वैल्यू लेते थे। तो रिलैक्सेशन टाइम मीन्स जो कि बहुत, जो कि थोड़ा सा टाइम हमें मिलता है एक टक्कर के बाद दूसरे टक्कर में, उसे हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो रिलैक्सेशन टाइम टेम्परेचर जब हम बढ़ाएंगे, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी वो वेरी करेगा, बहुत कम टाइम हमें मिलेगा, तो बहुत कम टाइम मिलेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो इफेक्ट क्या पड़ता है, डिक्रीज हो जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वैसे भी इफेक्ट हमें यहाँ से निकालना है कि अगर हम क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टाइम बहुत कम मिलेगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी ये प्रोसेस होगी, तो रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो जाएगा। अब रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा तो रिलैक्सेशन टाइम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे, टेम्परेचर को इंक्रीज करने पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ये क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, जब हम इसको टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं। तो ये इसका रेसिप्रोकल रिलेशन यहाँ से निकल के आ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा गया है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे बेस क्वेश्चन है। तो आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम देखेंगे ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें देखने को मिलता है, उसको हम अगले वीडियो में लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।